अभी जो है हम लेते हैं अर्जुन पंडित जी आपको लाइन पर। जल्दी करिए अन्यथा दूसरे को लिया जाएगा। नहीं बोल दे हो गया। हमने पहले ही कहा था कि समय जो करेगा उसको हम हटा देंगे। अर्जुन काशिव जी आपको ले रहे हैं लाइन पर। YouTube पर इस वक्त जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, हो सके तो सुपर चैट भी करें YouTube पर। अर्जुन अनुज काशिव बोलिए। अनुज कश्यप जी अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट करिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक माइक का निशान। देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जय हां मतंग जी। आशीर्वाद, कहाँ से हैं आप? मैं खरड़ से जी, पंजाब खरड़ से। पंजाब खरड़ से। हाँ जी। समीर इसामुद्दीन जी आपने गुरुजी सुपर चैट के आशीर्वाद आपको, बोलिए। गुरुजी सामग्री तैयार है। अनुज नाम है मेरा, अनुज काशी। क्यों तंत्र काट कराना चाह रहे हैं? गुरुजी मेरे को मेरा झूठा केस चला के ना मेरी वाइफ ने और मुझे मारने की कोशिश की है तांत्रिक विद्या से। अच्छा। हाँ जी चलिए सामग्री सर पे पकड़ लीजिए। क्या क्या पकड़ना है? लौंग सुपारी चावल को एक में मिला लेंगे। हाँ जी ठीक है, लौंग सुपारी चावल और जायफल एक में कर देंगे। हाँ जी ठीक है। जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं वो याद रखिए, एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हल्दी का जो पानी रहेगा वो पानी आपको दूसरे दिन, मतलब जैसे आज तंत्र काट हुआ तो कल सुबह जो है आप स्नान करने के जल में मिला के स्नान करेंगे और बचा हुआ जो जल है वो आप घर में छिड़क देंगे, इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भाग जाएंगी। ठीक है, घर की शुद्धि करने के लिए वो हल्दी का जल रखा जाता है। ठीक है, पकड़ लीजिए सर पे। ठीक है, आंखें बंद करेंगे, अपना नाम माँ का नाम बोलेंगे और कहाँ से हैं ये बोलेंगे आंखें बंद करके। अनुज काशिव, माँ का नाम वीना कुमारी और चंडीगढ़ पंजाब से, अपना खरड़ से है। देखिए माता रानी आपके यहाँ पहुंची हैं, प्रणाम करेंगे जो अगरबत्ती देंगे। जय माता तंगी। आंखें बंद रखेंगे। इस बच्चे के ऊपर जितनी भी तंत्र क्रियाएं हैं सभी क्रियाओं को नष्ट करेंगे। इसके ऊपर जो मारण क्रियाएं की गई हैं, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बाण मारे हुए हैं,
सपुतला बनाया गया है, वाहन दुर्घटना में मारने की क्रियाएं की हुई है, रोग से ग्रसित करके मारने की क्रियाएं की गई है, और नपुंसक बनाने की क्रिया इस बच्चे के ऊपर की गई है, वो सब नष्ट करेंगे। इस बच्चे का लक्ष्मी बंधन भी किया हुआ है और इसे विवाद में फंसाने के लिए क्रियाएं की गई है, कर्ज में फंसाने के लिए भी क्रियाएं की गई है। सारी क्रियाओं को नष्ट करेंगे, शमशान में जो पुतले दबे हुए हैं वो पुतले भी उठाकर लाएंगे, जलाकर राख कर देंगे सभी पुतलों को। इसके शरीर पर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री, मित्र कात्री 108 108 बार चलाएंगे, सर से लेकर पैर तक दसों दिशाओं से। इसके पूरे शरीर के ऊपर चारों तरफ से पंचबाण चलाएंगे और कंपन अस्त्र मांसपेशियों में चलाएंगे, हड्डियों में चलाएंगे और कंपन करके सारा तंत्र बाहर निकालेंगे। ये जो जल रखा हुआ है माता रानी, जल में 23 प्रकार की कात्री को अभिमंत्रित करेंगे। जल में नींबू के ऊपर गण मंत्र 108 बार चलाएंगे, तीन प्रकार के और तीन खंड के। उसके बाद नींबू के ऊपर 84 का गण मंत्र 7 बार चलाएंगे, पंच अस्त्र 9 बार चलाएंगे और मेघास्व घात्री 1008 बार चलाएंगे मेघास्व घात्री को। इस बच्चे के पूरे शरीर के ऊपर आप तीनों माता रानी का 1008 वाला सुरक्षा कवच लगाएंगे। इस बच्चे के माथे के ऊपर जो भारीपन है, सर पे फत्तर रखा हुआ है और पुतले के माध्यम से इसके शरीर पर चारों तरफ वजनदार फत्तर लटकाए हुए हैं जो इसके शरीर की ऊर्जा को खा जा रहे, सभी फत्तरों को खोल लिए जाए। जितनी अशुद्धियां निकली है सब जलाकर राख करेंगे, बहते पानी में बहाने लगाएंगे। ये जो नींबू है सुन लो, प्लेट नीचे करेंगे। हाँ जी गुरु जी। वो जो चावल है, चावल हाथ में पकड़ लेंगे सब, और पहले तो ये जो पूरी थाली लेकर आप उतारा कर लेंगे चारों दिशा में 31-31 बार, चारों दिशाओं में सभी सभी नींबू वगैरह सब लेकर, पानी को नहीं उतारना है केवल, ठीक है। जो थाली में जितना सामग्री है वो उतारेंगे चारों दिशा में 31-31 बार। उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे तक 31 बार। उसके बाद में अपने हाथ में जो है आप वो चावल, लौंग, सुपारी, जायफल ले लेंगे और पूर्व की ओर मुख करके सर से पैर तक 3 बार उतारना है। पूर्व की ओर मुख करके 3 बार, जब 31 बार चारों दिशा उतारा हो गया, उसके बाद चावल जो है, चावल, लौंग, जायफल, सुपारी ये हाथ में लेंगे, पूर्व की ओर मुख करके ऐसे 3 बार उतारेंगे। आधा चावल ऐसे सर के ऊपर से सामने फेंकेंगे और आधा चावल पीछे फेंक देंगे। उसके बाद आधा पीछे, आधा पहले सामने ऐसा और आधा पीछे, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इसको समेट लेना है। नींबू जो है रोज एक नींबू स्नान करने के जल में निचोड़ के स्नान करना है 6 दिन तक, 11 दिन, 6 दिन, ठीक है। और 5 नींबू रोज आपको पीना है सुबह शाम, मतलब आधा नींबू सुबह आधा नींबू शाम को खाली पेट, ठीक है जी, ठीक है। 2-3 दिन हो सकता है आपको तकलीफ ज्यादा होगी, घबराने की बात नहीं है, ठीक है गुरुजी। मुझे फंसाने की भी कोशिश की गई है, काट दिया मैंने, और आपको काट कराना है, ठीक है। और 4 काट बचे हैं, आपने सही समय पे काट करा लिया, जो घातक चीजें थे वो हटा लिया, और 4 बार आपका काट होगा, झुमलाई में जुड़ेंगे, मैं काट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है गुरुजी, मुझे खाने में भी खिलाया गया 2-3 बार, निकाल दिया मुझे पता लग गया था। हाँ जी कोई बात नहीं है, मैंने निकाल दिया हूँ, और 4 बार आपका काट होगा। अभी जो आगे जूम लाइव पे आएंगे उसमें 4 बार और, ठीक है 4 बार, ठीक है जी। चलो आशीर्वाद, गुरु जी कृपा करें, आशीर्वाद।
मुन्ना लाल वर्मा। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव आशीर्वाद। कैसे हैं? बढ़िया गुरुदेव, ठीक बढ़िया हूँ हो? जी अच्छा जी चालू जी रखिए, कुछ लोग और जी जुड़ रहे हैं, चालू रखिए, मैं आपको लेता हूँ लाइन पर। काफी लोग जुड़ने बाकी थे, अभी जुड़ रहे हैं, उनको ऐड कर लूं पहले। तो भाई जितने भी लोग इस वक्त YouTube YouTube के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, आप लोग सुपर चैट जरूर करिए भाई, है ना? आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, सुपर चैट करोगे तभी तो चैनल आगे बढ़ेगा। जितने भी लोग YouTube के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, आप सभी को जय माँ मतंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनको ऐड कर रहा हूं, थोड़ा वेट करिए, 2-3 मिनट। चलिए, हाँ बोलिए मुन्ना लाल जी। जी गुरुदेव, सब कृपा है आपकी भगवान। ठीक है मैं आप? गया था, उड़ीसा गया था दरबार में, जी और ये दोनों बच्चों की समस्या के विषय में, एक तो मेरे जी साथ बैठा है भाई, हाँ, ये छोटा वाला मैं है अभी बैठा है, दिखाओ जी, बैठा है। कहाँ है। प्रणाम। आशीर्वाद। ठीक है, सामग्री तैयार है? दोनों का काट करना है या बच्चे का ही करना है? मेरा भी कर दीजिए गुरु जी, उड़ गया हूँ, सामान है दोनों ताबीज का, ताबीज वगैरह निकाल लो, ठीक है ना? माला है महाराज जी। हाँ, माला ताबीज अगर कोई पहने होंगे तो तंत्र काट से पहले निकाल लेना है, ठीक है? सभी लोग ध्यान जी रखेंगे इस बात का। चलिए, सामग्री पकड़ लीजिए सर के ऊपर। अपना नाम, माँ का नाम बोलेंगे, सामग्री सर के ऊपर पकड़कर आंखें बंद कर लेंगे और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताएंगे। माइक बंद कर दिया आपने मुन्ना लाल जी? माइक चालू करिए। स्क्रीन पे देखिए, माइक बंद हो गया आपका। ऐसी गड़बड़ ना करें आप लोग, जो है ना, जुड़ने के बाद ऐसी गड़बड़ ना करें। आप लोग माइक बंद कर देते हैं, फिर ढूंढना पड़ता है कहाँ गए, फिर रिक्वेस्ट देना होता है। मोबाइल रखने के चक्कर में आप लोग स्क्रीन को टच कर देते हैं और फिर माइक म्यूट हो जाता है आप लोगों का। देखिए, स्क्रीन पे क्लिक करिए मुन्ना लाल जी। माइक का निशा, हाँ ठीक है, अभी अभी टच मत करिए, ठीक है?
वरना फिर बंद हो जाएगा। बोलिए अपना नाम, माँ का नाम बोलिए और कहाँ से ये बोलिए। मुन्ना राम, माता का नाम धनिया राय, मुकाम पोस्ट बसुरिया, जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। माता रानी को प्रणाम करिए। हेमा मतंगी, हेमा छिन्नमस्ता, हेमा बगलामुखी, इन दोनों के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री चलाएंगे सर से लेकर पैर तक दसों दिशाओं से। अष्ट भैरव कात्री मंत्र 1008 बार इन दोनों के शरीर पर चलाना है दसों दिशाओं से। इन दोनों के रीढ़ के हड्डी के ऊपर पंचबाण चलाएंगे, सर के ऊपर फरसा अस्त्र चलाएंगे। दारिद्र्य को इनके भाग्य से, इनके घर से, इनके शरीर से बाहर निकाल कर फेंकेंगे, बंधन में लेंगे। इन लोगों के पेट में खिलाया पिलाया जो तंत्र है वो बाहर निकालेंगे। नशे का तंत्र भी लगाया हुआ है इस बच्चे के शरीर पर, पुतला बनाकर उसको भी बाहर निकालेंगे। पूरी तरह नष्ट कर देंगे सारी अशुद्धियों को। पेट के अंदर बैठा हुआ तंत्र खींचकर बाहर निकालेंगे। माथे के ऊपर जो बंधन लगा हुआ है उसे काटेंगे। घर के अंदर में एक मटकी भेजी हुई है और हांडी ऊपर में उड़ रही है, दोनों को बंधन में लेंगे और किसी नदी में ले जाकर फोड़ने लगा देंगे मातंगा भूतों को बोलकर। इस बच्चे के शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए क्रियाएं की गई है उसे नष्ट करेंगे। बबुल के ऊपर उल्टा चलता हुआ तंत्र लगाया हुआ है, उल्टा चलता हुआ तंत्र को भी नष्ट करेंगे। पूरी तरह से खींचकर जलाकर राख करेंगे। इन लोगों के दांत के ऊपर और हड्डियों के ऊपर जो तंत्र बैठा हुआ है उसे नष्ट करेंगे। इनके पितरों को भी बंधन मुक्त करेंगे। 80 अस्त्र 1008 बार इनके पूरे शरीर पर चलाएंगे सर से लेकर पैर तक दसों दिशाओं से। भल अस्त्र और पाश अस्त्र 9 बार इनके शरीर पर चलाएंगे, कंपन करेंगे पूरे शरीर पर और सारा तंत्र खींच लेंगे। इस बच्चे के पीछे में जो एक शक्ति आकर खड़ी है माता रानी, उस शक्ति को भी बंधन में लेंगे जो पीछे में है। इस वक्त पीछे वाली शक्ति को लेंगे बंधन में। पूरी तरह खींचेंगे। जितनी अशुद्धियां निकल रही हैं सारी अशुद्धियों को नष्ट करेंगे। सारा तंत्र खींचते जाएंगे जो शरीर में बैठा हुआ है इस वक्त, सब तंत्र बाहर निकालते जाएंगे, एक भी तंत्र नहीं छोड़ना है। एक भी तंत्र नहीं छोड़ेंगे, सब कंपन करके बाहर निकालते जाएंगे। पैर के तरफ भी बैठा हुआ तंत्र है उसे भी खींचकर बाहर निकालना। पैर के तरफ का भी तंत्र खींचेंगे बाहर।
इनके शरीर के अंदर से जितनी भी ऊर्जा बाहर आ रही है सबको बंधन में लेंगे, खैर के लकड़ी के पिंजरे में किलित करेंगे सारी शक्तियों को। जितनी भी शक्तियां आ रही हैं सबको बंधन में लेंगे, एक भी शक्ति नहीं छोड़नी। जितनी अशुद्धियां निकली हैं सब जलाकर राख करेंगे और बहते पानी में बहाने लगाएंगे। ठीक है, चारों दिशा में उतारा करना है 51-51 बार। ठीक है, 51-51 बार उतारा करेंगे। और ये जो हल्दी का जल है ये आपको 3 दिन तक स्नान करने के जल में मिला के स्नान करना है 3 दिन। और याद रखिएगा 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोशिश करें। ठीक है, 3 दिन 10 बजे के बाद घर के बाहर ना जाए। और ये जो नींबू है आपको 6 नींबू रोज स्नान करने के जल में निचोड़ के स्नान करना है। और जो 5 नींबू है रोज सुबह उठने के बाद आधा नींबू खाली पेट पीना है और आधा नींबू शाम को शरबत बना के पी लेंगे। ठीक है जी। और ये जो चावल है 51-51 बार उतारना है आपको चारों दिशा में। और बाद में चावल, लौंग, सुपारी, जायफल जो है आप सर आधा जो है सर के ऊपर से सामने फेंकेंगे, आधा पीछे फेंकेंगे, बाद में समेट लेना है और इसको जला देना है। जलाने के बाद बहते पानी में बहा देना है। ठीक है, और ये जो नींबू है नींबू का जो छिलका निकलेगा उसको भी फेंकना नहीं है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, चावल जब आप सामने और पीछे फेंक देंगे बाद में चावल को जमा करके उसको जलाना है। जलाने के बाद उसकी राख आप किसी बहते पानी में बहा देंगे। और ये जो नींबू है नींबू जो आप निचोड़ते हैं निचोड़ने के बाद जो उसका छिलका बच जाता है वो फेंकना नहीं है, जमा करके रखना है। जब आपका सारा नींबू प्रयोग में ले लोगे उसके बाद नींबू के छिलकों को जलाना है और उसको भी जला के कहीं फेंक देना है, किसी चौराहे पे या किसी एकांत स्थान पे ले जाके आप फेंक देंगे उसकी राख को। ठीक है, आपको और आपके आपको 2 बार काट कराना है, आपके बेटे को जो है 4 बार कराना है आगे जूम लाइव पर। रेनू सैनी, नमस्कार गुरु जी, जय माता दी। सामग्री तैयार है, सर पे पकड़ी है सामग्री। सामग्री सर पे पकड़िए, चावल, लौंग, जायफल, सुपारी एक में मिला लो। ताबीज वगैरह पहने हो तो निकाल लो, निकाल। हाँ, पकड़िए सर पे सब। मंगलसूत्र पहन रखा है? हाँ,
मंगलसूत्र पहना खाए से भी नहीं, वो कोई बात नहीं, थाली में रखिए, नींबू भी पकड़ना है साथ में। आंखें बंद करेंगे, अपना नाम माँ का नाम बोलेंगे और कहाँ से बोल रहे ये बोलेंगे। मेरा नाम रेनू, मेरी माँ का नाम गुड्डी और दिल्ली से हूँ। मामा तंगी, ये बच्ची जहां से है वहां पर आपको जाना है और इनका तंत्र काट करना है, जाकर इनके विघ्नों का नाश करना है। इस बच्ची के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री चलाएंगे। इसके शरीर पर जो असर है उसको खींच कर लाएंगे। जो असर आया है खिलाने के माध्यम से इसके शरीर में प्रवेश किया गया, इसके फोटो के माध्यम से इस बच्ची के ऊपर तंत्र का असर है और कुछ नकारात्मक शक्तियों का असर प्रवेश किया हुआ है, उसे लाएंगे पकड़कर, हाजिर करेंगे। पूरा तंत्र का प्रयोग जितना भी आया हुआ है सबको पकड़ेंगे, हाजिर करेंगे, बंधन लगा देंगे, एक भी शक्तियों को भागने का रास्ता नहीं देंगे।